करने दो बदनामी, उड़ाने दो अफवाहें, वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं तो उनके कर्म तो मैं देख लूँगा, पर तुम्हें यहाँ से इस परेशानी से भी कुछ अच्छा ही देकर भेजूँगा। इतना तो यकीन रखना, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। अपने आप को कभी कम मत ठहराना, तुम बहुत अच्छे हो और जो भी तुम मेरे लिए करते हो वो सब सही है। मेरी पूजा की विधि बस इतनी ही है, श्रद्धा और सबूरी। देखो, जब मैंने ज़िंदगी यहाँ तक दी है तो यहाँ पर मौत नहीं देने वाला, यहाँ पर पहले जीत मिलेगी, उसके बाद साईं चरणों में हमेशा के लिए लीन होना है। तो इस वक्त सिर्फ जीने की सोचो, सन्यासी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो ज़िंदगी दी है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें रंग भरो, जो है उससे खुश रहो। तुम देखना, तुमसे कम से कम खर्चों में सारे काम करवाऊँगा, तुम्हें धन सुख समृद्धि तो बहुत दूँगा, लेकिन तुम्हें सादगी बहुत पसंद आ जाएगी। तुम देख लेना, ऐसे ही तुम बदल जाओगे, एक सरल स्वभाव वाले सादगी भरे इंसान बन जाओगे, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से तो खैर हो ही, जब औरों से तुलना करते हो ना, उस तुलना में अपने आप को कम पाते हो, तो याद रखना कि तुम मेरे बच्चे हो। अगर कपड़े थोड़े से फटे हुए भी हैं ना, तो तेरा साईं भी वैसे ही धारण कर लेता था, क्योंकि जितनी सादगी, जितना सरल स्वभाव रहेगा, ज़िंदगी उतनी ही सरल हो जाएगी। अगर तुझे तेरे मन का खाना ना मिले, तो ये समझ लेना कि तेरा साईं भी वही खा रहा है जो तू खाता है, और तुझे जो भी दिया है तेरे बाबा ने आशीर्वाद से दिया है। तुलना में तुम किसी से कम नहीं हो, पर हाँ, तुम बाबा के बच्चे हो, इसीलिए सरल हो, और अपनी सरलता पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। दूसरों के व्यवहार से कभी मत बदलना, महंगी चीज़ें देख दिखावे में ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह रहो, सब कुछ देखो, सब कुछ सीखो, लेकिन उसके बाद अपना अस्तित्व मत खोने देना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि जाओ और वापस आओ, तुम्हें इसलिए भी भेज रहा हूँ कि कुछ बहुत अच्छा करो, मेरे लिए करो। और फिर कहता हूँ, तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा है ना, तो तुमसे वादा करता हूँ, समय आने से पहले दे दूँगा। खुश रहो।